नमस्कार दोस्तों, मैं आर मैक्सवेल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भारतीय भूगोल की सीरीज में जो है भारतीय भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। और अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने भारत का ऑलरेडी मैप बना रखा है और उसमें मैंने प्राकृतिक भागों में भारत को डिवाइड कर रखा है। भारत को जो है मुख्य रूप से 5 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले जो आता है वो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम ग्लेशियर, दर्रे, प्रमुख चोटियाँ, इन सब का अध्ययन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.6% जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान आता है। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का जो है 43.2% यानी 43.2% आता है। और ये मुख्य रूप से जो है गंगा यमुना का मैदान है, यानी गंगा यमुना जो नदियाँ हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों से जो मिट्टी बहा के ले आती हैं उन्हें यहाँ पर जो है उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया, जिसके कारण जो है गंगा यमुना का एक विशाल मैदान बन गया। ये खेती के लिए सबसे उपजाऊ ज़मीन है और पूरी दुनिया में उपजाऊ ज़मीनों में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय पठार है। भारत की संपूर्ण क्षेत्रफल का 27.7% प्रायद्वीपीय पठार है, लेकिन उसमें काफ़ी पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। जब हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ भी हैं। तो जो वो पहाड़ियाँ हैं वो 18.5% है भारत की संपूर्ण जो है क्षेत्रफल का। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश जो है वो प्रायद्वीपीय पठार है, कुल 46.2% है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आता है भारत का प्राकृतिक प्रदेश वो है समुद्र तटीय क्षेत्र। और जो ये समुद्र तटीय क्षेत्र है ये मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी तटरेखा और एक पश्चिमी तटरेखा। जो पश्चिमी तटरेखा है उसको 2 भागों में बांटा गया है, गुजरात से लेकर के गोवा का जो क्षेत्र होता है उनको उसको हम कोंकण तट कहते हैं, और गोवा से रामेश्वरम तक तक के जो तट हो हम मालाबार तट कहते हैं। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिएगा कि गोवा से गुजरात के बीच के तट को हम कोंकण तट कहते हैं और गोवा से रामेश्वरम तक के बीच के तट को हम मालाबार तट कहते हैं। उसी तरह से अगर हम जो है पूर्वी तट पे आते हैं तो यहाँ पर महानदी से कृष्णा नदी का ये जो दो डेल्टा के जो महानदी और कृष्णा, ये जो प्रमुख नदियाँ हैं जो अपना डेल्टा क्षेत्र बनाती हैं, और इनके बीच के जो तटीय क्षेत्र हैं उसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार। ध्यान रखिएगा ये पूर्वी तट काफ़ी उपजाऊ है, चावल के लिए ये काफ़ी उपयुक्त क्षेत्र है, इसीलिए जो है यहाँ पे चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का डेल्टा है। भारत में अधिकतर नदियाँ जो हैं वो पूर्वी तट पर ही अपने डेल्टा बनाती हैं, वो पूर्वी तट पर ही जो है सागर में विलीन होती हैं, तो वहाँ पर वो डेल्टा बनाती हैं। जब हम भौतिक प्रदेशों के आगे पढ़ेंगे तो इस बात को भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर महानदी के डेल्टा और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच के क्षेत्र को यानी बीच के तट को हम समुद्र उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, और कृष्णा नदी और कावेरी नदी के क्षेत्र को के तटीय क्षेत्र को हम जो है कोरोमंडल तट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ ही साथ जो है भारत में जो है 2 द्वीप समूह भी हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसके बाद अगर हम आखिरी जो है भारतीय भौतिक प्रदेशों को हम देखें तो ये पश्चिमोत्तर प्रदेश है, ये काफ़ी शुष्क है। हम भारत की जलवायु में इस चीज़ का अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर जो है जलवायु का प्रभाव बहुत कम पड़ पाता है, यानी कि जो भारतीय जलवाष्प लेकर के जो है जो हवाएं चलती हैं उनका प्रभाव यहाँ पर बहुत कम पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर जो है अधिकतर समय तक शुष्क मौसम ही बना रहता है। इसके कारण जो है यहाँ पर ये क्षेत्र जो है मरुस्थलीय है, और थार का एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा जो मरुस्थल है वो यहाँ पाया जाता है। तो ये भी भारत का एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, ये थार का मरुस्थल कहलाता है। और साथ ही साथ गुजरात में भी एक शुष्क प्रदेश पाया जाता है जिसको हम कच्छ की खाड़ी कहते हैं। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि भारत को 5 मुख्य रूप से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा समुद्र तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह, और 5वां थार का मरुस्थल। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स वेरी मच, हैव नाइस डे।